अगर गल पुछना चाहता भी कोई बंदा फैक्ट्री लगा तो सब तो पहली चाहता भी यार मैं कोई एक्स सर्विसमैन रखना है। क्यों रखना है? जो फौजी आदमी होंगे वो सच्चे होंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कैप्टन रिटायर होया और ये नहीं फौजी, इन्हें जो किया इन्हें तकरीबन किया खुश। बाबा नानक आया वो को दुनिया खुश नहीं हुई, रविदास महाराज आए उन्हें को खुश नहीं हुई, भगवान राम ने अवतार लिया वो को दुनिया खुश नहीं हुई, तो आप कि पानी आ रहा। लेकिन कैप्टन साहब ने जो गल्ला कही है वो तकरीबन तकरीबन उन्हें पूरी की। देखो कांग्रेस के एम एल ए जोगिंदर पाल वालों कांग्रेस पार्टी के चोण वादियां नूं यह कहना कि गुरु नानक देव जी भी सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते ज सारे वादे पूरे नहीं कर सकते, मैं समझदा कि यह अत निंदण योग गल है। साढ़े धार्मिक जिहड़े सब तो वड्डे गुरु ने श्री गुरु नानक देव जी उन्हां दी तुलना प्रशांत किशोर दे झूठा नाल करनी जां प्रशांत किशोर दे झूठे लारिया नाल करनी, यह मैं समझदा किते ना किते यह एक धार्मिक आस्था नूं ठेस पहुंचाउण वालियां गल्लां कांग्रेस पार्टी दे लीडर कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, इन्हां नूं माफ़ी मंगनी चाहिए। कल भुआ दे एमएलए साहिबान ने गुटका साहब की झूठी सहुं चुकण वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना जिहड़ी आ उह श्री गुरु नानक देव जी नाल श्री गुरु रविदास जी दे नाल भगवान राम जी दे नाल कीती आ, मैं समझदा बहुत ही निंदाजोग गल आ गई। इस गल की मैं बहुत निखेधी कर दाँगा और दूजे पासे मेरी पंजाब सरकार तो मंग आ कि इस व्यक्ति के खिलाफ़ तुरंत धार्मिक भावनावां भड़काउण दे तहत केस दर्ज किया जाए और तुरंत जिहड़ी आ पंजाब सरकार कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी आ पंजाब के लोगों तो माफ़ी मंगे, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति जिहड़े हैगे नेगे वो साडियां धार्मिक भावनावां नाल खिलवाड़ करदे नेगे। सो भुआ दे एम एल ए के खिलाफ़ तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है, तुरंत उन्होंने खिलाफ़ परचा दर्ज होना चाहिए।